हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। क्लास एलेवेंथ का जो पाँचवा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी जो आती है सबसे पहले, इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे बाहर से ही। जैसे प्लांट के केस में हो गया रूट्स, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, ये सारी चीज़ें जो मॉर्फोलॉजी में आएंगी। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है। रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट में क्या होता है? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जो रेडिकल होता है डायरेक्ट उसका इलोंगेशन होता है जिससे प्राइमरी रूट बनती है इनसाइड सॉयल में। इसमें बहुत सारे लेटरल रूट भी होते हैं जिसे सेकेंडरी टर्सरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ये सब मिलके बनाती हैं टैप रूट सिस्टम, जैसा कि ये फिगर आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक मस्टर्ड प्लांट का दिया गया है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट आप देख रहे हैं फिगर में, रूट सिस्टम ऊपर दे रहा है। कहा जाता है कि मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है? प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लिव होता है और रिप्लेस किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। ऐसे रूट जो होते हैं दे रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज इन बीट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट होते हैं जो प्राइमरी रूट होते हैं शॉर्ट लिव होते हैं, थोड़े ही समय के बाद वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में, रूट से इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो होते हैं रूट्स ओरिजिनेट होते हैं स्टेम के बेस से, जिन्हें फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रहा है इसका वीट प्लांट में जैसे पाया जाता है, नीचे फिगर उसका होगा अभी हम देखेंगे। कह रहा है बाकी कुछ प्लांट में क्या होता है जैसे ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, रूट जो होती है एराइज होती है पार्ट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा अदर पार्ट से एराइज होती है रूट, तो उसे कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? एब्जॉर्ब करना वाटर मिनरल सॉयल से, प्रोवाइड करना प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल को, सिंथेसिस करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। आगे चलते हैं। ये पहला सिस्टम जो दे रहा है टैप रूट सिस्टम, दूसरा फिगर है फाइब्रस रूट का और तीसरा फिगर जो शो कर रहा है एडवेंटिटियस रूट का। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, रीज़न ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट के रीज़न क्या होते हैं? कह रहा है रूट इज़ कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। जो एपेक्स पे रूट होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप क्या कहते हैं? जो रूट का टेंडर होता है अगला पार्ट उसे प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, और सॉयल में इसके लिए जगह बनाता है रूट के ग्रोथ के लिए। कह रहा कैप, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर का जो रीजन होता है जिसे कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टमेटिक जोन कहा जाता है। इस रीजन में क्या होता है? वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस साइड प्रोटोप्लाज्म के सेल पाए जाते हैं मेरिस्टमेटिक जोन में, और इनमें डिवीजन जो होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर कहा जाता है जब सेल प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें बहुत तेज़ी से इलोंगेशन होता है, रैपिड इलोंगेशन और इनलार्जमेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है रूट के लेंथ को ग्रोथ में, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब कहा जा रहा है कि इसके अप्रॉक्सिमल में, अब कह रहा है एक पॉइंट और है इसमें, जो इलोंगेशन जोन की जो सेल होती हैं डिफ्रेंशिएट और मैच्योर करती हैं ग्रेजुअली। कहा जाता है नेक्स्ट इसके प्रॉक्सिमल में जोन पाया जाता है जिसे मैचुरेशन जोन कहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन डेलिकेट थ्री लेडी स्ट्रक्चर। इस रीजन में कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं और वो एक डेलिकेट धागे के जैसे थ्री लेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे रूट हेयर कहते हैं। इनका काम क्या होता है? वाटर और मिनरल का सॉइल से एब्जॉर्प्शन करना, जैसे ये फिगर देख सकते हैं रूट कैप शो कर रहा है
मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का जोन है, उसके ऊपर इलांगेशन जोन है, मैचुरेशन जोन है जिसमें रूट हेयर पाए जाते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और वाटर का सॉइल से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉडिफिकेशन, बता रहा है रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। रूट का जो मेन काम क्या होता है जानते हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन कभी कभी इसका शेप और स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ इनके फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो कहा जाता है कुछ मॉडिफाइड होके क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ करते हैं स्टोरेज और कुछ रेस्पिरेशन भी करते हैं रूट्स। कहा जाता है एग्जांपल यहाँ पे टैप रूट जो होता है कैरेट और टर्निप का, और एडवेंटिटियस रूट होता है स्वीट पोटैटो का, ये स्वेलन हो जाती हैं मतलब फूल जाती हैं और फूड का स्टोरेज करती हैं। कह रहा है कि हैव यू एवर वॉन्डर दैट वाह दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री। बनियान ट्री पीपल का पेड़ आपने अगर देखा होगा उसमें बहुत सारे हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रॉप रूट, और ये उसको सपोर्ट के लिए होते हैं। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा मेज या शुगर कुन में, शुगर केन जो होता है गन्ने का पेड़, उसमें लोअर नोड से अराइज होती हैं सपोर्टिंग रूट जो उसे सपोर्ट करती हैं उसके प्लांट को, इसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा रहता है कुछ प्लांट कह रहा है जैसे राइजोफोरा जो होता है ग्रो करता है स्वैम्पी एरिया में, बहुत सारी रूट निकलती हैं, ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड, और ये ऐसे रूट को कहते हैं न्यूमेटोफोर, और ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये सो कर रहा है प्रॉप रूट बनियान ट्री का। आगे चलते हैं अगला पॉइंट, जैसे ये फिगर शो कर रहा है रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज रेस्पिरेशन के लिए, न्यूमेटोफोर शो कर रही हैं बी फिगर जो है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टेम। स्टेम का क्या होता है, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, बियरिंग ब्रांच होता है, इसमें लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और जो स्टेम होता है डेवलप करता है एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से, जो जर्मिनेशन के बाद प्लूम्यूल बनता है उससे स्टेम बनता है। स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, नोड वो रीजन होता है जहाँ से लीव्स निकलती हैं, और इन दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, स्प्रेड आउट ब्रांचेज को निकालना या जिनमें फल फूल और पत्तियाँ हो, कंडक्शन करता है वाटर का मिनरल का, फोटोसिंथेसिस भी करता है सम टाइम, ये फंक्शन स्टोरेज भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोटेक्शन का भी, प्रोपगेशन का भी काम करते हैं। मॉडिफिकेशन हम देखेंगे स्टेम का, कह रहा है बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड काम भी है स्टेम का। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है पोटैटो का, जिंजर टर्मरिक जमीन कंद कोलोकेशिया, ये स्टोरेज का फूड स्टोरेज का काम करती हैं, एंड आल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ प्रीनेशन टू टाइड ओवर कंटिन्यूस कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ अनफेवरेबल कंडीशन में इन्हें जर्मिनेट भी किया जा सकता है। कहा जा रहा है स्टेम टेंड्री जो होती हैं डेवलप होती हैं एक्जिलरी बर्ड से, ये हेल्प करती हैं प्लांट को क्लेम करने में, चढ़ने में सपोर्ट करने में, ऐसे कह सकते हैं स्टेम टेंड्रिल जो होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे गार्ड्स हो गए, गार्ड्स में कौन कौन से आते हैं, कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप वाइंस हो गया। एक्जिलरी बर्ड जो होती हैं स्टेम की आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्टेट और पॉइंटेड थॉर्न्स में कांटेदार हो जाती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से, एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका सिट्रस और वागनविलिया में। कुछ एरिड रीजन की जो प्लांट होते हैं जैसे ओपनसिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, स्टेम मॉडिफाइड कर जाता है फ्लैट पार्ट में ओपनसिया में, और फ्लेसी सिलेंडर पार्ट स्ट्रक्चर में यूफोर्बिया में। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगला जैसे ये फिगर शो कर रहा है देख सकते हैं, जिंजर जमीन कंद पोटैटो स्टोरेज करती हैं फूड का, एक्जिलरी वर्ड है टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है, सपोर्ट करती है प्लांट को क्लेम करने में, चढ़ने में ऊपर।
स्टेम मॉडिफाइड होता है स्पाइन में, बोगनविलिया स्पीसीज या सिट्रस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अंडरग्राउंड स्टेम और सब प्लांट, कुछ प्लांट की जो होती है अंडरग्राउंड स्टेम जैसे ग्रास और स्ट्रॉबेरी स्प्रिट टू न्यू नीचे एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म, जमीन पे लगी रहती हैं और जब पुराना पार्ट इसका मर जाता है या ख़त्म हो जाता है तब नए पौधे को ये जन्म देती हैं। कुछ प्लांट हो गए जैसे मिंट और जास्मिन में सिलेंडर लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस, लैटरल ब्रांच जो होता है बेस मेन एक्सिस के बेस से अराइज होता है आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, कुछ समय ऊपर की तरफ या कहा जा सकता है एरियली ग्रो करने के बाद वो डाउनवर्ड को ग्रो करता है, जमीन को टच कर जाता है। लैटरल ब्रांच विथ अ शॉर्ट नोट एंड ईच नोट वियर ए रोजेट ऑफ लीफ, मतलब एक गुलाब के फूल की तरह अरेंज हो जाते हैं लीव्स जो होती हैं, एंड ए टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट जैसे पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया, जैसे ट्रेलर ऑफ बंगाल, इन सब का फ्लावर देखे होंगे उसमें ऐसा होता है। कह रहा है बनाना पाइनएप्पल क्राइजेंथेमम जो होती हैं लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती हैं बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम से, जो लैटरल ब्रांच होती हैं बनाना में क्राइजेंथेमम में और पाइनएप्पल में वो अराइज होती हैं बेसल और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन एक्सिस से, ये ग्रो करती हैं हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल, नीचे जमीन के अंदर ग्रो करती हैं और वहाँ से फिर निकलती हैं अपवर्ड और लीफी सूट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे। लीफ जो होता है लैटरल होता है, जनरली फ्लैटेड फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ये स्टेम पे लगा रहता है, डेवलप्ड करता है नोड पे और बियर करता है बर्ड बर्ड को इसके एक्साइल पार्ट। एक्जिलरी बर्ड जो होते हैं वो बाद में डेवलप कर जाते हैं ब्रांच में। लीफ जो होता है ओरिजिनेट करता है सूट एपिकल मेरिस्टेम से और अरेंज होता है एक्रोपीटल ऑर्डर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस इज लीफ। लीफ का मेनली तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस हो गया, पेटियोल और लामाइना। लीफ जो होता है अटैच होता है स्टेम से बाई लीफ बेस के द्वारा, स्टेम से जो अटैच होता है लीफ लीफ बेस के ही द्वारा, और कभी कभी इसमें दो लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसा फिगर में शो कर रहा है, इन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट्स में क्या होता है लीफ बेस जो होता है, फिगर में आप देख रहे हैं लीफ बेस कहाँ शो कर रहा है, तो मोनोकॉट में बता रहा है लीफ बेस क्या करता है, एक्सपेंड करता है कभी कभी और इनटू ए सीथ और कवर करता है स्टेम को पार्शली या पूरी तरह से या थोड़ी तरह से हल्के तरह से कवर कर लेता है स्टेम को। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है स्वेलन हो जाता है जिसे पल्विनस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पेटियोल बता रहा है, पेटियोल होल्ड करता है ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ टू फ्लटर इन वाइंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। लॉन्ग थिन होता है पेटियोल, हेल्प करता है लीफ को फ्लटर, हवा जब चलती है तो वो हिलता है जिससे फ्रेश और कूल सरफेस कूल एयर जो होता है लीफ सरफेस पे आता है। लामाइना तीसरा पॉइंट हमारा, लामाइना या जिसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं ग्रीन एक्सपेंड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन और वेनलेट पाए जाते हैं। मिडरिप मिडल प्रोमिनेंट वेन जो होती है जिसे मिडरिप कहते हैं, जो मिडल पार्ट होता है इसका, वेन जो होती है प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड और एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल और फूड मटेरियल। जो वेन होती है मेन पॉइंट, शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लामाइना वेरी इन डिफरेंट लीफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लामाइना ऑफ लीफ इज टर्मड वेनेशन। अगर वेनलेट फॉर्म करता है नेटवर्क को तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं और ये डाइकॉट में पाया जाता है, और अगर ये वेन रन करता है पैरेलल जो इसे पैरेलल के वेनेशन कहते हैं, ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है।
जैसा फिगर शो करा, पहला जो बी वाला फिगर है ये रेटिकुलेट वेनेशन है, और जो सी वाला है जिसे पैरलर कहा जाता है वेनेशन, ये मोनोकार्ड्स में पाया जाता है। अब बता रहे हैं टाइप ऑफ लीफ के बारे में पढ़ना है। लीफ जो होती है दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ के बारे में, लीफ इज इंटायर होती है या पूरी लीफ एक पत्ती होगी, संपूर्ण, इंसीजन नहीं होगा या कटा वटा नहीं होगा, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। और अगर इंसीजन होगा भी तो वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा होगा। कह रहा जब इंसीजन ऑफ लमाइना रीचेज ऑफ द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, बहुत छोटी छोटी पत्तियों में या लीफलेट में जब वो ब्रेक करता है तो इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइला पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। एक बर्ड जो होता है एक्साइला पेटियोल में पाया जाता है, पेटियोल के आउटर पार्ट पे किनारे एक्साइल पे, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में पाया जाएगा एक बर्ड, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। लीफलेट के एक्साइल पे नहीं पाया जाएगा बर्ड। कहा जा रहा है कंपाउंड लीफ जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड और दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एक्सिस के थ्रू, जिसे रैकिस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है नीव, जैसे ये फिगर शो कर रहा है पिनेटली कंपाउंड वाला, बहुत सारे लीफलेट अटैच हैं एक कॉमन पॉइंट से, जिसे रैकिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कहा जाता है बहुत जब बहुत सारे लीफलेट जो होते हैं एक कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं, एक रोल बनाते हैं, तो इन्हें पॉमनेटली कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है सिल्क कॉटन, यहाँ पे उसके बारे में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे फिलोटैक्सी जो होता है, क्या फिलोटैक्सी को कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, जो लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पे या ब्रांच पे, इसको कहते हैं फिलोटैक्सी। ये तीन तरह का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, जैसे कि पहला फिगर शो करा चाइना रोज का, एक सिंगल लीफ एक नोड से निकली है, फिर उसके अल्टरनेट में दूसरे नोड से एक दूसरी लीफ निकली है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। नेक्स्ट जो आता है इसमें अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या आता है, ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, एक नोड से दो लीफ निकलेंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एग्जाम्पल इसका कैलोटोपिस और गुआवा प्लांट। नेक्स्ट जो कहता है रोल फिलोटैक्सी में क्या होता है, मोर देन टू लीफ अराइज एट नोड एंड फॉर्म ए रोल, जैसे फिगर शो कर रहा है अल्सोनिया का, एक ही नोड से बहुत सारे लीफ निकलेंगे और रोल बनाते रहेंगे, वो अटैच होंगे एक ही नोड पे। नेक्स्ट जो आता है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। लीफ मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी सारे अगर फंक्शन को या काम करती है तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल में, जैसे पी प्लांट में होता है क्लिम्बिंग के लिए, स्पाइन में चेंज हो जाती है डिफेंस के लिए कैक्टाई में, या फ्लेसी लीफ से ओनियन या गार्लिक में फूड का स्टोरेज करती है। कुछ प्लांट होगा जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, लीव जो होती हैं स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी और बहुत कम समय के लिए होती हैं, तो इसमें क्या होता है पेटियोल जो होता है एक्सपैंड करता है ग्रीन और ग्रीन होकर सिंथेटाइज करता है फूड का। और कह रहा है इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में, जैसे आप जानते होंगे पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी मॉडिफिकेशन किसका होती है लीफ का ही। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इनफ्लोरेसेंस के बारे में, इसमें क्या होता है इंटरनोड जो होता है डू नॉट इलोंगेट और एक्सिस गेट कंडेंस हो जाती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, इसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। डिपेंड करता है यह कि कैसे है फ्लावर का अरेंजमेंट, इस पर ये दो तरह के होते हैं रेसिमोज और सीमोज।
रेसिमोस में क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, फ्लावर जो होते हैं बॉर्न लैटरली इन एक्रोपिटल सक्सेसन। दूसरा पॉइंट इसमें जो है सीमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस जो होती है टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में, लिमिटेड ग्रोथ होता है सीमोस में इनफ्लोरेंस में, और फ्लावर जो होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं। ये फिगर शो कर रहा है सीमोस इनफ्लोरेसेंस और सीमोस इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद आता है फ्लावर के बारे में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 में, अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, इट मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टिपिकल फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, मेनली कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स करोला जो होता है एसेसरी ऑर्गन होते हैं, एंड्रोसियम गाइनोसियम जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कह रहा है जो फ्लावर होती है लिली का, कैलिक्स और करोला एक दूसरे से अटैच होते हैं या डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इन्हें पेरियंथ कहा जाता है। कह रहा है जब फ्लावर बॉर्न होते हैं एंड्रोसियम गाइनोसियम एक ही प्लांट में बायोसेक्सुअल होता है, अलग अलग होंगे तो यूनिसेक्सुअल होगा। सिमेट्री के बारे में बता रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जिसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक हो गया बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे पिछले प्लांट में हम लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्लांट किंगडम में सिमेट्री के बारे में, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे प्लांट फ्लावर में। When flower can be divided into two equal radial half in any radial plane passing through center, center से कोई भी radial plane पास हो उसमें flower को दो equal part में divide किया जा सकता है, इसे कहते हैं actinomorphic symmetry। Example है mustard, धतूरा और chili। कह रहा है दूसरा point है zygomorphic का, it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, एक vertical plane से जब इनको दो similar part में divide किया जाए तो इन्हें zygomorphic कहते हैं। Example है इसका pea plant हो गया, गुलमोहर हो गया, bean हो गया, केसिया हो गया। Asymmetric flower भी आता है जिसको divide नहीं किया जा सकता, example है कैना, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, फ्लोरल अपेंडेज जिसमें कितने हैं 3, 4, 5, इस तरह से इनको डिवाइड किया जा सकता है। ब्रैक्ट के बारे में कहा जाता है, रिड्यूस लीफ जो होता है बेस ऑफ पेडिसिल में पाया जाता है, अगर होगा तो ब्रैक्टिएट है, जिस फ्लावर में नहीं होगा ये ब्रैक्टिएट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पोजीशन है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की, उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है फ्लावर को तीन पार्ट में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है गाइनोसियम ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन को और बाकी जो अदर पार्ट होते हैं इसके नीचे सिटुएटेड होते हैं या लगे रहते हैं। ओबरी जो होती है इसमें सुपीरियर होती है। एग्जांपल है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेरीगाइनस के बारे में, गाइनोसियम सिटुएटेड इन द सेंटर और अदर पार्ट जो होता है फ्लावर का इसके रिम पे होता है थैलेमस, सेम लेवल पे होंगे सारे फ्लावर के पार्ट, पेरीगाइनस कहते हैं। ओवरी जो होती है हाफ इन्फीरियर होती है, एग्जांपल है इसका प्लम, रोज, पिच। कह रहा है ओवरी इच सेट टू बी हाफ इन्फीरियर, इसमें होता है पेरीगाइनस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एपीगाइनस, कह रहा है थैलेमस ग्रो करता है अपवर्ड और ओवरी को कम्प्लीटली इनक्लोज कर लेता है अपने अंदर, फ्यूज हो जाता है और जो बाकी के पार्ट होते हैं इसके इसके ऊपर से निकलते हैं, राइज अबव द ओवरी। जो ओवरी होती है इसमें इन्फीरियर कहते हैं, फ्लावर है ग्वावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैलिक्स जिसे सेपल भी कहते हैं, मॉडिफाइड होता है,
ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कैलेक्स अगर फ्री है तो पॉलीसेपैलस, अगर यूनाइटेड है तो गैमोसेपैलस। करोला जिसे पेटल कहा जाता है, ब्राइट कलर होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। करोला भी अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस कहते हैं, और यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस कहते हैं। करोला का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, ट्यूबुलर बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप का होता है। एस्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल पार्ट में, बाकी पार्ट फ्लावर के उसके रिस्पेक्ट में, इसे कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो होता है हमारे पास वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वैक्जिलरी टाइप का होता है। तो पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग वॉल्वेट टाइप में क्या होता है। सेपल और पेटल जो होते हैं जस्ट टच वन अदर एट द मार्जिन, जो इनकी मार्जिन होती है एक दूसरे को बस टच करती है, ओवरलैप नहीं करती है। एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस। नेक्स्ट आता है इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिक्स ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, मतलब एक का अपेंडिक्स अपने अगले वाले को ओवरलैप करेगा, उसके अगले वाला अपने उसके अगले वाले को, इसी तरह से एक लेयर या चक्र बनता है एक दूसरे को, तो इसे ट्विस्टेड कहते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें इम्ब्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप करती है एक दूसरे को, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल है इसका केसिया और गुल्ड मोहर इम्ब्रिकेट का। नेक्स्ट आता है बैक्जिलरी या पेपिलेनियस एस्टिवेशन, पेपिलेनियस, इसमें क्या होता है बी और पी, बीन और पी फ्लावर में पाया जाता है। फाइव पेटल होते हैं, द लार्जेस्ट होता है, स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, ओवरलैप करता है अपने नीचे दो वालों को, दो लैटरल पेटल जिसे विंग कहते हैं, जो अपने नीचे दो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल होते हैं इनको ओवरलैप करता है। ये फिगर शो कर रहा है वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गाइनोसियम। गाइनोसियम स्टैमेन का बना होता है, स्टैमेन जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टैक कहते हैं। फिलामेंट और अंतर होता है, यूजुअली बायलोब होते हैं, दो चैम्बर होता है, पॉलन सैक जिसे कहा जाता है, इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। स्टेराइल स्टैमेन जो होता है स्टैमिनोड कहते हैं। कह रहा है स्टैमेन जो होता है यूनाइटेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। कह रहा है व्हेन स्टैमेन अटैच टू पेटल, जैसा कि ब्रिंजल में होता है, इस कंडीशन को कहते हैं एपिपेटलस। और जब स्टैमेन अटैच होता है पेरियन से लिली फ्लावर में जैसा देखा गया है, इसे कहते हैं एपिफिलस। स्टैमेन अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस कहा जाता है, अगर यूनाइटेड है पॉलीएडल्फस कहा जाएगा। कह रहे हैं अगर यूनाइटेड है एक बंच या एक बंडल में तो इसे कहते हैं मोनोएडल्फस, चाइना रोज में पाया जाता है। अगर दो बंडल में यूनाइटेड है तो इसे कहते हैं डायडल्फस, पी प्लांट में पाया जाता है। अगर मोर देन दो से ज़्यादा बंडल में यूनाइटेड है तो पॉली एडल्फस, जैसे सिट्रस प्लांट में होता है। कहा जाता है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट का लेंथ होता है वो वेरी करता है, सेल्विनिया मस्टर में देख सकते हैं आसानी से। गाइनोसियम आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कार्पेल जिसे कहते हैं, मेनली जो होता है तीन पार्ट इसमें होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। और ओवरी के अंदर एक फ्लैट कुशन लाइक के स्ट्रक्चर जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इन प्रेजेंट, और वो भी फ्री हैं जैसे लोटस और रोज में, तो इन्हें कहते हैं एपोकार्पस। असिंग कार्पस कहेंगे जब कार्पस फ्यूज होंगे, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो में। प्लेसेंटेशन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। इसमें पहला प्लेसेंटेशन जो है मार्जिनल है। इसमें क्या होता है प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा फॉर्म करता है एक रिज या एक
बाउंड्री या जैसे रिज फॉर्म करता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अलॉन्ग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन दिस रिज। और जो ओव्यूल या फ्रूट होते हैं इससे लगे होते हैं, दो रो में पी प्लांट में ऐसा पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन में आता है, जब व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओब्यूल आर अटैच टू इट मल्टीलॉकुलर ओवली। जो ओब्यूल या सीड होते हैं मल्टीलॉकुलर ओवली से, ओवरी से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल इसका चाइना रोज, टोमेटो, लेमन हो गया। पेराइटल प्लेसेंटेशन आता है, ओब्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। जो ओब्यूल या सीड होते हैं ओवरी के इनसाइड वॉल पे डेवलप होते हैं या पेरीफेरल पार्ट पे। ओवरी जो होती है एक चैम्बर की होती है, बट इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फालसेप्टम। फालसेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से दो चैम्बर की हो जाती है, जैसे मस्टर्ड और आर्जिमोन। ये हो गया पेराइटल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो होता है हमारा फ्री सेंट्रल, इसमें क्या होता है, ओव्यूल और बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर अपसेंट। सेप्टा नहीं पाया जाता है, डायंथस और प्रिमरोज में, जैसे ये फिगर्स दे सकते हैं, डी वाला फिगर है फ्री सेंट्रल का, सेप्टा नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका पेराइटल, एक्जाइल और मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और ये लास्ट वाला जो होता है बेसल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओब्यूल अटैच होता है, इससे सिंगल सीड होती है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रूट, कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लोरिंग प्लांट का, मैच्योर राइप ओवरी होती है, डेवलप करती है फर्टिलाइजेशन के बाद। कह रहा है फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट में एक वॉल होता है पेरिकार्प कहते हैं, और सीड होता है इसमें। जो पेरिकार्प होता है फ्लेसी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। कह रहा है व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, जब पेरिकार्प थिक और फ्लेसी होता है ये डिफरेंशिएट करता है आउटर एपिकार्प, मिडल मेजोकार्प और इनर इंडोकार्प में डिफरेंशिएट, जैसा कि फिगर्स होकर है इसमें देख सकते हैं, एपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। कह रहा है मैंगो और कोकोनट जो होता है ड्रू फ्रूट होते हैं, डेवलप करते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, वन सीडेड होते हैं ये। मैंगो जो होता है वेल डिफरेंशिएट करता है आउटर थिन एपिकार्प, और जो मिडल फ्लेसी एडिबल होता है मेजोकार्प में, और इनर स्टोनी इंडोकार्प में। कोकोनट एक आल्सो ड्रू फ्रूट जो है, इसका मेजोकार्प जो होता है फाइब्रस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड के बारे में, ओब्यूल जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाती है। सीड जो होता है सीड कोट और एम्ब्रियो का बना होता है, एम्ब्रियो जो होता है रेडिकल का बना होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का बना होता है। एम्ब्रियो में क्या क्या होते हैं, रेडिकल, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलीडन होते हैं। अगर वन एक कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट जिसे कहा जाए वीट और मेज में, और दो कॉटिलीडन हो गए जैसे ग्राम और पी में, तो डाइकॉटिलीडन हो गए। स्ट्रक्चर कह रहा है डाइकॉट सीड का दिखा रहा है यहाँ पे, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सीड की सीड कोट कहते हैं। इस सीड कोट के दो लेयर होते हैं आउटर टेस्टा इनर टैगमेन। हाइलम भी पाया जाता है, एक स्कार की तरह होता है सीड कोट में, जिससे डेवलपिंग सीड जो होता है फ्रूट से अटैच होता है हाइलम के थ्रू रीजन में। कह रहा है एबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर पाया जाता है, माइक्रोपाइल कहते हैं जिसे। कह रहा है विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर जो होता है एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलीडन होते हैं, तभी तो डाइकॉट कहा जाता है, जैसा ये फिगर शो कर रहा है, एक दो कॉटिलीडन। ऊपर का जो पार्ट होता है प्रोमेल जो सूट में चेंज हो जाता है, और निचला पार्ट जो है रेडिकल वो रूट बनाता है। कह रहा है कॉटिलीडन जो होते हैं फ्लेसी होते हैं और फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड रेडिकल और प्रोम्यूल पाए जाते हैं। कुछ सीड होते हैं जैसे कैस्टर में
एंडोस्पर्म का स्टोरेज किया जाता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू जिसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, और कुछ प्लांट होते हैं बी ग्राम पी जिसमें एंडोस्पर्म का स्टोरेज नहीं होता, ये यूज़ कर दी जाती हैं उसके जर्मिनेशन के टाइम सीड के जरिए, इन्हें नॉन एंडोस्पर्मा सीड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। जो मोनोकॉट सीड होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका ऑर्किड जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। कुछ सीड हो गए जैसे मेज के, तो इसका सीड कोट होता है, मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। एंडोस्पर्म जो होता है इज अ बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म बल्की होता है, फूड का स्टोरेज करता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेसियस लेयर। जो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है सेपरेट करती है एम्ब्रियो को प्रोटीनेसियस लेयर जिसे कहा जाता है एल्यूरॉन लेयर। कहा जा रहा है द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो होता है स्मॉल होता है और एंडोस्पर्म के एक साइड में सिचुएटेड होता है। इट कंसिस्ट, मोनोकॉट सीड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, इट कंसिस्ट वन लार्ज एंड सील्ड शेप कॉटिलेडन जिसे कहा जाता है स्क्यूटेलम, जैसा फिगर में शो कर रहा है स्क्यूटेलम। और जो शॉर्ट एक्सिस होता है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, प्लूम्यूल जो होता है कवर्ड होता है कोलियोप्टाइल से और रेडिकल जो होता है कवर्ड होता है कोलोराजा से। इस फिगर को आप लोग देख सकते हैं कैसे शो कर रहे हैं एम्ब्रियो, उसके आउटसाइड एंडोस्पर्म, एक मोनोकॉट सीड का फिगर था। और ये कुछ फ्लावर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है कि सिंबलाइज किया गया, आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें दो मेन पॉइंट है, ये जो फिगर दिया गया है एक मस्टर्ड प्लांट का है ब्रेसिकेसी फैमिली का, तो ये जो होता है एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल, कैलेक्स जो होते हैं दो और दो के अरेंजमेंट में होते हैं, करोला जो होता है चार होता है, एंड्रोसियम 2+4 के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, गाइनोसियम जो होता है सुपीरियर ओपी बायोलॉकुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो कह रहा है फुल फ्लोरा डायग्राम जो क्या करता है, डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने पार्ट हैं, देयर अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट क्या है और द रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है, तो फ्लोरल डायग्राम देख के हम ये बता सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोरल फार्मूला के बारे में, देख के हमें क्या पता चल जाता है, ये बताता है कोहेशन एंड एडेशन, मतलब उन दोनों का अटैचमेंट कैसा है विद इन द पार्ट ऑफ फ्लावर बिटवीन रोल, जो रोल है उनका कैसा अटैचमेंट है और उसके अंदर का कैसा अटैचमेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कुछ फैमिलीज हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। पहली फैमिली जो है फेवेसी फैमिली है, पहले इसे पेपलिनेजी भी कहा जाता था। सब फैमिली जो लेग्यूमिनेसी की है, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, स्टेम जो होते हैं इरेक्ट क्लिम्बर होते हैं, लीफ जो होता है अल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड सिंपल लीफ बेस पाए जाते हैं, पल्विनेट पाया जाता है वेनिश। आगे चलते हैं, ये फ्लोरा डायग्राम शो कर रहा है फेवेसी प्लांट का। इन्फ्लोरेंसेस जो होता है रेसिमोज होता है, फ्लावर इनके बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कैलिक्स 5 पाए जाते हैं, गैमोसेपल्स होते हैं, वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, करोला जो होता है 5 होता है, पॉलीपेटेलस होता है, पेपिलिनेसियस होता है और इसके वैक्जिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है, एंडोसियम जो होता है 10 होते हैं, डायडेल्फस कंडीशन पाए जाते हैं, जो अंथर होता है डाइड थीकस पाया जाता है, 2 थीका पाए जाते हैं, गाइनोसियम जो होती है सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी यूनिलॉकुलर ओवरीज से होता है, स्टाइल जो होता है सिंगल होता है, फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं, सीड एक से ज़्यादा होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनका फ्लोरल फार्मूला है जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो होते हैं 5 होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, करोला जो होते हैं 1+2+2 के अरेंजमेंट में होता है, एंडोसियम 9+1 के अटैचमेंट में होता है और जो गाइनोसियम होता है सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉकुलर होता है। फेवेसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ पल्स आती हैं ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन,
एडिबल ऑयल में क्या आते हैं? सोयाबीन और ग्राउंडनट। डाई में आता है इंडिगोफोरा। फाइबर में आता है सनहेम। फॉडर में आता है सेसबोनिया ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में आते हैं ल्यूपिन और स्वीट पी। और मेडिसिन में आता है मोलियाटिव। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिमेंबर याद करिएगा। एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही कि किस फैमिली का कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फैमिली जो हमारी सोलेनेसी, जिसे पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। स्टेम जो होता है हर्बेसियस होता है। वुडी रेयरली, एरियल इरेक्ट सिलिंड्रिकल और ब्रांच पाए जाते हैं। सॉलिड और हॉलो हेरी या ग्लेबरस अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं पोटैटो में। सोलेनम ट्यूबरसम जिसे कहा जाता है। लीफ जो होते हैं इसके अल्टरनेट सिंपल रेयरली पिनेट एक्सटिपुलेट होते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट पाया जाता है, डाइकॉट होता है। फ्लावर फ्लोरल कैरेक्टर इन्फ्लोरसेंस के बारे में बताया। सॉलिटरी एक्जिलरी या सीमोस होता है सोलेनम में। फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक पाया जाता है। कैलेक्स जो होता है पाइप फाइफ होता है। सेपल जिसे कहते हैं यूनाइटेड होता है, परसिस्टेंट होता है, लगा रहता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। करोला जो होते हैं फाइव होते हैं, ये भी यूनाइटेड होते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन इसमें भी पाया जाता है। एंडोसियम जो होता है पाँच होता है, एपी पेटेलस जिसे कहते हैं। गाइनोसियम की बात होती है, बाइकार्पेली ऑब्लिकेट प्लेस्ड सिंक कार्पस बाइलाकुलर प्लेसेंटा स्वालन विथ मैनी ओब्यूल एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट को बेरिया कैप्सूल कहते हैं। फ्लोरल फार्मूला इसका है एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल। जो कैलिक्स होता है पांच यूनाइटेड होते हैं। एंडोसियम जो होता है कैलिक्स करोला से अटैच होता है, एपिपेटेलस कहते हैं, यूनाइटेड होता है। एंडोसियम भी पांच होते हैं, फ्री होते हैं। गाइनोसियम जो होता है सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और बायलाकुलर गाइनोसियम होता है इसका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में देखते हैं, फूड के फॉर्म में बहुत सारे प्लांट का यूज़ किया जाता है। टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो। स्पाइस चिली के फॉर्म में हो गया। मेडिसिन में बेलाडोना अश्वगंधा हो गया। फ्यूमिगेटरी टोबैको आता है। ऑर्नामेंटल में पिटूनिया आता है। नेक्स्ट फैमिली जो हमारी लिलियसी या लिली फैमिली कहते हैं। मोनोकॉटिलेडन प्लांट है, इसमें आते हैं पेरिनियल हर्ब्स अंडरग्राउंड बल्स कॉम और राइजोम आते हैं। लीव जो होता है इसका बेसल अल्टरनेट लीनियर एक्सटिपुलेट और पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं सीमोज होते हैं। एम्बलेट क्लस्टर पाया जाता है। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक होते हैं। पेरियन जो होता है टेपल जिसे कहते हैं छः होते हैं, तीन प्लस तीन का अरेंजमेंट पाया जाता है। एंडोसियम ये भी सिक्स होते हैं, थ्री प्लस थ्री का अरेंजमेंट पाया जाता है। एपी पेटेलस होते हैं। गाइनोसियम जो होता है ट्राइकल्पेरिसिंग कार्पस सुपीरियर ओवरी होता है ट्राइलाकुलर, मतलब तीन पॉट पाए जाते हैं उसमें। एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कैप्सूल रेयरली बेरी फ्रूट होते हैं। एंडोस्पर्मस होता है सीड इसका। ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट पाए जाते हैं। एक्टिनोमार्फिक बायसेक्सुअल। पेरियंस टेपल जिसे कहते हैं थ्री प्लस थ्री यूनाइटेड है। एंडोसियम जो होता है छः होता है, यूनाइटेड नहीं तो फ्री होता है। गाइनोसियम जो है ट्राइलाकुलर होती है। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में आते हैं कुछ प्लांट। ऑर्नामेंटल में आता है टुलिप और ग्लोरियोसा। मेडिसिन में एलोय आता है। वेजिटेबल में अश्वगंधा एस्पेरेगस होता है। और कॉल्चिसिन के लिए आता है कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये रहे इसके एग्जांपल। इसी के साथ ये फिगर देख लीजिए, सूखा रहता है लिली फैमिली का। और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।